आज का सेशन जो है हम मॉड्यूल नंबर 14 पे आ जाते हैं। मॉड्यूल नंबर 14 ये भी काफी ज्यादा, क्योंकि अब सीए से ऑनवर्ड आपके जो है ये थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स हैं, और ये हजम करना भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको आप किस तरह लेके चलेंगे, क्योंकि सीए है या फेडरेशन सर्विसेज है या रिमोट एक्सेस है, वीपीएनस है, ये थोड़े से टफ टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो इजी टॉपिक्स है वो तकरीबन हम अगले जितने मॉड्यूल्स हैं वो थोड़े से टफ जरूर है, और किसी जगह भी आपको थ्योरी बहुत ज्यादा मिलेगी, किसी जगह भी आपको प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन दोनों चीजों को आपने कैसे लेके चलना ये अप टू यू है। अच्छा सर, सबसे मुझे पहले रीज पूछना है जी सर, बोले। तो सीए, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सीए आप बता रहे थे कि अभी फिलहाल स्टॉप करके नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम वो 3 घंटे 3 आवर्स का। हाँ, सीए नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वो तकरीबन 2-3 घंटे की उसकी लैब है। ठीक है, तो आर्ट्स तो वैसे भी आपके सामने ऑडियंस के जो हालात हैं वो तो ना होने के बराबर। ठीक है, अगले सेशन में कर लें अगर आ गया तो कोई। ठीक है ठीक ठीक है सर, ठीक है, ओके। है, आज का जो टॉपिक है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपका कहेंगे सर इसकी कभी लैब हमें करा दें तो कोशिश करूंगा। मीन वाइल के इसकी लैब क्लाउड पे भी कराई जा सकती है और सर्वर के अंदर भी कराई जा सकती है, लेकिन लैब इसकी भी काफी लेंथी है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ जो है मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो फिर मुझे अरेंज करना पड़ेगा। पहले इसकी थ्योरी को तो समझ लें। आज का जो सेशन है मॉड्यूल नंबर 14, इम्प्लीमेंटिंग एक्टिव डायरेक्टरी फाउंडेशन सर्विसेज। आज के दौर में अगर इंडस्ट्री की बात करें तो एक रीढ़ की हड्डी की तरह एक फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज के दौर में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इवन के अगर इसकी एग्जाम्पल्स मैं लूँ कि आप अगर बैंक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो बैंक एप्लीकेशन आपकी सारी सारी फेडरेशन बेस है। फेडरेशन बेस क्या चीज होती है? बेसिकली फेडरेशन जिस तरह जस्ट लाइक आप अपने आपका जो घर है उस पर बार आपने एक ही डोर रखा हुआ इन आउट के लिए, और अगर आप उस पर सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली कोई कोरा की गेट लगा देंगे, ऊपर कोई हारदार तारे लगा देंगे, आप बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, कैमरे लगा देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं सनी, आप जो है वो सिक्योरिटी इनहेंस कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही। ठीक है, कोई एक कैंडिडेट मेरे साथ रह सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मोबाइल एप्लीकेशन उसकी बैंक एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था, तो बैंक एप्लीकेशन को बड़ा इजी वे में उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं रखी जाती, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया जाता है। जस्ट अगर इस तरह हम गूगल जीमेल अकाउंट यूज करते थे, तो अब जीमेल जो है वो हमें कोई एक ओटीपी भी देता है, ऐसे ही है, बिल्कुल सर, ओटीपी देता है ना। तो ओटीपी क्या है कि वो जस्ट लाइक आप अपनी सिक्योरिटी को मजीद एनहेंस कर रहे हैं, मतलब कि पहले सिक्योरिटी का लेवल उस तरह का नहीं था, आप सिक्योरिटी को थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं। पहले सर बात होती थी आपके यूजर एंड पासवर्ड्स पे, अब बात होती है आपके साथ मोबाइल नंबर पे। बड़ा इजी वे में कोशिश करूंगा चीजों को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा सिक्योरिटी को मजीद एनहेंस किया गया, आपका ईमेल ऐड कर दी गया। ठीक है, फिर मजीद अगर सिक्योरिटी को एनहेंस करें तो फिर कौन कौन से टर्म्स इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती हैं। अभी तो सिंपल मैंने एक ओटीपी की बात की, वन टाइम आपके पास एक पासवर्ड कोड आता है, आप कोड अपने एप्लीकेशन में ऐड करते हैं तो आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाती है। यहाँ पे एक इजी वे में ये है फेडरेशन। फेडरेशन क्या है कि आप अपनी सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाएंगे अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने के लिए, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, चाहे वो आपकी एप्लीकेशंस है, ठीक है, चाहे कोई फिजिकल सिक्योरिटी है। फिजिकल सिक्योरिटी की तो यहाँ पे इसमें बात नहीं बिल्कुल भी होगी, यहाँ पे ज्यादा तो सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाएगी। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको किस हद तक आप सिक्योर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेडरेशन सर्विसेज। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, नो क्लियर है। सर, नहीं ठीक है। सर, अब एक्चुअल फेडरेशन की प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस की जाती हैं, इंडस्ट्री में कितने स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी चीजें थोड़ा, ये सेशन मोस्टली आपका है थ्योरेटिकली, प्लीज बोर मत होइएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत है। हाँ, आपको अगर इस सेशन के बाद फेडरेशन की समझ आ गया, आपको ओटीपी की समझ आएगी, आपको एमएफए की समझ आएगी, आपको एसटीएस की समझ आएगी, तो समझूंगा कि काफी हद तक आप अपने ट्रैक पे आ गए। सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ एडीएफएस, फेडरेशन सर्विसेज क्या होती है, डिप्लॉइंग एडीएफएस पे कैसे काम किया जाता है, और उसके बाद एक इंप्लीमेंटिंग एडीएफएस फॉर सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस,
क्या सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी फेडरेशन की जरूरत होती है? कि पहले नहीं होती थी, लेकिन आज की ऑर्गेनाइजेशन ये चीज रिक्वायर करती है। वो कहती है कि हमारा जो यूजर है वो अगर उसका पास सिस्टम लॉक हो जाए, ठीक है, तो वो आईटी वालों को कॉल करके ये ना कहे यार मेरा जो है वो सिस्टम अनलॉक करो, ठीक है। अगर वो रॉन्ग अटेम्प्ट करता है तो ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल पे कोई ओटीपी जनरेट हो जाए, वो वहां से कोड एंटर करे और अपना पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर दे, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? ठीक एग्जैक्टली सर, बहुत बेहतर है। है, तो अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कोई 10,000 यूजर्स हैं, तो आपको ज्यादा नहीं, तो आपको तो कोई 100 बंदे सिर्फ आईटी के सपोर्ट में इसलिए चाहिए होंगे जो सारा दिन जो है ना यूजर्स के सिस्टम लॉक अनलॉक करते रहेंगे, ठीक है। किसी का पासवर्ड एक्सपायर हो गया तब सिस्टम आप पासवर्ड उसका रीसेट करके दे रहे होंगे, किसी का सिस्टम ऐसा लॉक हो रहा है आप उसको अनलॉक कर रहे होंगे। तो ये चीजें मैंने खुद अपने प्रोडक्शन लेवल पे बहुत ज्यादा फेस की है, ठीक है। उसके बाद हम अगर डिप्लॉइंग उस पर बात करें, डिप्लॉइंग ADFS में अगर बी टू बी फेडरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है और इसको हम कवर करेंगे डिफरेंट जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके दरमियान। जिस तरह आप कह सकते हैं कि प्राइवेट बैंक टू स्टेट बैंक जो कि जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं, क्या वो जो बी टू बी कम्युनिकेशंस हो रही है, फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही है, तो क्या वो पेमेंट्स ऐसे ही एक्सचेंज हो जाती हैं या बीच में उन्होंने कोई सिक्योरिटी मेथड भी रखा होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल एक बात करूँ कि इसमें हमें कह सकते हैं कि कैश कलेक्ट करने या स्टेट बैंक की गाड़ी प्राइवेट बैंक से एमसीबी से, तो क्या उसे कैश ऐसे ही हैंड ओवर कर दिया जाता है या वो कोई सीक्रेट अपना कोड लेकर आता है और कोड बताता है? ऑथेंटिकेशन होती है कोड के थ्रू। कोड ऑथेंटिकेशन होती है ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो जी बीच सर, में कोई भी रॉबर्स आके वो गाड़ी ले आएगा सेम उस तरह की गाड़ी बना के और कहेगा जी ये मैं स्टेट बैंक से आया हमें कैश दे दें, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो आप कोई ना कोई डेफिनेटली कोई कोड वगैरह रखते हैं, कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह रखेंगे उसमें। तो ये चीजें अगर हम डिजिटलाइज करते हैं तो डिजिटलाइज के अंदर ये मेथड कहाँ पे यूज होंगे, ये बी टू बी फेडरेशन सिनेरियो की इम्प्लीमेंटेशन होगी कहाँ पे, ठीक है। अब कुछ बात करेंगे लेसन नंबर वन में, ओवरव्यू ऑफ ADFS में इंट्रोडक्टरी फेडरेशन सर्विसेज के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले वो कहते हैं कि व्हाट इज आइडेंटिटी फेडरेशन क्या है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी व्हाट इज क्लेम बेस्ड आइडेंटिटीज क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि वेब सर्विसेज ओवरव्यू क्या है, उसके बाद ADFS क्या होगा, देन उसके बाद जो है फेडरेशन सर्विसेज अनेबल सिंगल साइन ऑन, जिसे हम बोलते हैं SSO शॉर्ट फॉर्म में, सिंगल साइन ऑन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद SSO B2B फेडरेशन सर्विसेज, देन उसके बाद हम बात करेंगे इसमें फेडरेशन सर्विसेज अनेबल SSO विद ऑनलाइन सर्विसेज। एक एक ऑप्शन इंडस्ट्री के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हैं और 90% आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जनाब ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस पे अगर मैं मिसाल तौर पे अल्फा की एप्लीकेशन यूज करता हूँ तो उसपे कोई ट्रांजेक्शन करते हुए दो कोड मुझे रिसीव होते हैं, एक कोड उस पर मोबाइल पे आ रहा है, एक कोड जो है वो उस पर ई मेल्स पे आ रहा है, तो आपसे कोई यही पूछ ले कि ये पर्पज होता क्या, काम करता कैसे है, तो क्या आप उसे आंसर दे सकते हैं? सर ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है ना, कि मतलब आप हाँ कोई बंदा साइन इन नहीं, कर सकता है जिसके पास जिसकी ईमेल और मोबाइल रजिस्टर्ड होगा। वही कह रहा हूं कि एक पूरा मैकेनिज्म क्या आप नॉन आईटी वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है इस चीज का फेडरेशन का, तो नहीं ऑब्वियसली नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं नहीं कर सकते, अगर नॉलेज भी कैसे कर सकते। नहीं। हाँ पहली चीज ये है कि हम इसे एक सिनेरियो पे एक थ्योरेटिकल वे पे तो समझें कि ये काम चीजें करती कैसे हैं। अच्छा जी आवाज आ रही है। अच्छा जी अब नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज आइडेंटिटी फेडरेशन। होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको फेडरेशन, ओटीपी, एमएफए, सिंगल साइन ऑन, एसटीएस, सैमल स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी इसमें काफी हद तक। सबसे पहली चीज ये है कि अनेबल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेटफॉर्म बाउंड्रीज। अगर स्लाइड थोड़ी सी कंफ्यूज करे तो थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ, वापस आ जाएंगे फिर दोबारा से स्लाइड्स पे।
सबसे पहले चीज ये चीज अंडरस्टैंड करने की कि फेडरेशन हम कहते किसे हैं। फेडरेशन में स्टार्ट में जिस तरह मैंने बताया था कि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी पे एक यूजर क्रिएट करते हैं, रिलेट करूंगा एक्टिव डायरेक्टरी को, जो चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी पे सिंपल हम यूजर नेम ऐड करते हैं और उसका पासवर्ड ऐड करते हैं, उसके अलावा कोई और चीज एडिशनल ऐड नहीं करते। और उसे कहते हैं जनाब अपने सिस्टम पे जाओ और सिस्टम पे जाके अपना यूजर नेम लिखो और पासवर्ड लिखो, तो वो क्या करेगा सिस्टम से लॉग इन हो जाता है। ऐसे ही करते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। अब नेक्स्ट में हम ये करने लगे हैं कि हम उसके जो प्रॉपर्टी है, यूजर की जो प्रॉपर्टी है, हम उस प्रॉपर्टी के अंदर से कुछ चीजें निकालेंगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे ऐड करेंगे। और ये चीजों को कहाँ पे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे हम फेडरेशन सर्वर के तौर पे। फेडरेशन सर्वर करता क्या है? फेडरेशन सर्वर नॉर्मली, अगर इसमें फेडरेशन सर्वर ये काम करता है, मिसाल के तौर पे ये समझिएगा कि इसमें ये आपका अपना कंप्यूटर है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, इसे ऑर्गेनाइजेशन से हट के नहीं समझना, फेडरेशन समझाने की कोशिश करना रखा इसमें, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। आप अपने सिस्टम पे जब लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पे दिया होता है यूजर नेम और दिया होता है पासवर्ड। जब यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आप ऑथेंटिकेशन अपने सिस्टम पे करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? टीजीडी मेथड। क्या बोलते हैं? टीजीडी, टिकट ग्रांटिंग टिकट। आपने जब मैंने पढ़ाई थी एक्टिव डायरेक्टरी का फर्स्ट लेक्चर था, तो फर्स्ट लेक्चर में उसमें टीजीडी का प्रोसेस आया था, अगर याद हो आप लोगों को, जी, ठीक है? तो टीजीडी में क्या था कि टीजीडी में कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जा रही है, आपसे आपका मोबाइल नंबर नहीं पूछा जा रहा, ना मोबाइल नंबर पर कोई कोड आ रहा है, ना आपसे कोई ईमेल पूछा जा रहा है, ना उस पर कोई कोड आ रहा है, ना आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है जिस तरह आप बैंक में कॉल करते हैं किसी भी सर्विसेज का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपसे आपकी ऑथेंटिकेशन पूछी जाती है, आपसे आईडी कार्ड पर पूछा जा रहा है, आपसे आपका मदर नेम पूछा जाता है, ऐसे ही आपसे आपकी बर्थडे पूछी जाती है। तो ये जितनी इंफॉर्मेशन बैंक आपसे ले रहा है, ये सारी की सारी ये समझ रहे हैं एक लॉ है, एक रूल ऑफ लॉ है। तो फेडरेशन भी सारी इसी चीजों को फॉलो करता है। फेडरेशन कहते हैं जनाब ये कंप्यूटर है, इसने लॉग इन होना है, और ये कहाँ पे क्या लॉग इन होने, ये पहले की ये इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे इस पे समझ लेगा। फेडरेशन प्रॉक्सी एक्सटर्नल एक पैरामीटर, जब बाकी हम पैरामीटर नेटवर्क पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि वहां पे इसका मतलब होता है क्या है कि प्रॉक्सी लगाने का। ये समझने रिक्वेस्ट डायरेक्टली कहाँ पे, ये फेडरेशन के पास। फेडरेशन कहेगा, सुनिएगा जरा, फेडरेशन कहेगा जी अच्छा हम ओपन करते हैं नोटपैड, उसने दिया अदनान एट द रेट्स, ये उसने दिया आर्टेक्नेट्स स्लैश नाम, नीचे उसने कोई भी पासवर्ड दे दिया, ठीक हो गया, वो सिस्टम पे लॉग इन कर रहा। तो नॉर्मल हम उसे क्या दे रहे हैं, एक यूजर नेम बदनाम और उसमें उसका पासवर्ड। जब ये रिक्वेस्ट फेडरेशन के पास जाएगी, फेडरेशन में आपने एक चेकलिस्ट में बनाई भी थी। अच्छा जी, अब उस पर फेडरेशन में हमने ये काम किया, फेडरेशन सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी की तरह इंस्टॉल होता है, उस पर एक बनती है चेकलिस्ट, ठीक है? चेकलिस्ट में आपने क्या क्या ऐड करना है? चेकलिस्ट में आपने नॉर्मली तो ऐड हो गया यूजर नेम, ठीक है, चेकलिस्ट में ऐड हो गया पासवर्ड, चेकलिस्ट में आपने ऐड कर दिया ग्रुप मेंबरशिप, और से सुनिएगा, आपने ऐड कर दिया OU मेंबर, आपने ऐड कर दिया जी उसमें, एग्जांपल दे रहा हूं, आपने उसका जो था बर्थडे, ठीक है, तो ये चीजें मिसाल के तौर पर आपने उसमें चेकलिस्ट में ऐड कर दी। अब चेकलिस्ट चेक होने जाती है, यूजर नेम उसने दिया अदनान, फेडरेशन ने उस पर क्या लगाया चेक। फेडरेशन काम खुद नहीं करेगा, फेडरेशन में आपने ऑप्शन एनेबल कर दी, फेडरेशन आगे क्यूरी देगा आपका डोमेन कंट्रोलर को, उसे एक पेपर देगा और उस पेपर में उसे लिख के देगा जनाब साहब यूजर नेम मैच कर रहा है, ओके का ठीक है मैच कर रहा है, ओके का पासवर्ड मैच कर रहा है, ओके का हाँ मैच कर रहा है, ओके का इसकी ग्रुप मेंबरशिप चेक करो, ये किस ग्रुप का मेंबर है,
वो कहते जी ये मिसाल के तौर पे हॉलीडेज ग्रुप का मेंबर या आईटी ग्रुप का ये मेंबर है कि नहीं है, ठीक है, फिर ये किस डिपार्टमेंट का यूजर है, मिसाल के तौर पे आप कहते जी ये सेल्स का, एग्जांपल दे रहा हूँ, सेल्स का भी है और ये आईटी का भी है। उसके बाद इसकी बर्थडे आ जाती है, तो ये चेकलिस्ट किसे वो देगा, चेकलिस्ट अनेबल कहां पे, फेडरेशन में, ठीक है, प्रोवाइड किसे की जाएगी, डोमेन कंट्रोलर को, डोमेन कंट्रोलर ने किसी एक जगह पे कहा। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या चेक होगी, आईडी, यूजर का सेट आईडी भी चेक होगा। अब सेट आईडी किस पे था, जब आपको मैंने दिखाया था नॉर्मली सेट आईडी आता है हेक्साडेसिमल पे। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यूअसली आ रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ए बी कोई इस टाइप का उसका सेट आईडी है। अब इसमें क्या है, इसमें किसी जगह भी इंफॉर्मेशन किसी जगह भी क्या की जाती है, मिसमैच हो जाए। उसने कहा अदनान मैच कर गया, पासवर्ड मैच कर गया, ग्रुप मेंबरशिप मैच कर गई, ओयूजी मैच नहीं कर रहा, ठीक है, उसने कहा बर्थडे भी मैच कर गई, उसने कहा सेट आईडी भी मैच नहीं हो रहा, क्या फेडरेशन के पास चेकलिस्ट वापस आती है, उसमें से चार टिक होते हैं, दो टिक नहीं होते, फेडरेशन यहां से उसको रिप्लाई करता है, जनाब साहब आप लॉग इन सिस्टम पे नहीं कर, फेडरेशन उसे उस सिस्टम पे लॉग इन नहीं करने देगा। बड़े सादा लफ्जों में मुझे बताए, कुछ समझ आया कि फेडरेशन कैसे काम करता है? पहले मैं डायरेक्ट अगर आपको ले जाऊं ना, व्हाट इज क्लेम बेस क्या होता है, फिर आइडेंटिटी फेडरेशन क्या होता है, फिर टोकन क्या होता है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या होता है, एप्लीकेशन, ये सारे टेक्निकल टर्म्स है। पहले सादा लफ्जों में समझ तो लें कि फेडरेशन है क्या, फेडरेशन की समझ आ जाएगी तो फिर उन चीजों को हम टेक्निकल वर्ड में भी ऐड कर देंगे। अच्छा सर, एक चीज ये पूछनी थी कि चार पैरामीटर्स पास हो गए, दो पैरामीटर्स पे एरर है, तो जो यूजर एंड पे एरर जनरेट होगा वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि यार मैं लॉग इन किस बेस पे नहीं कर पा रहा, या सिस्टम में कोई ऐसी जनरेट होगी कोई ऐसी क्यूरी, कैसे पता चलेगा? हाँ, उसमें देखें, उसमें क्या है कि अब आपने फेडरेशन में अगर सारी चीजें मैच करनी थी तो आपने एक ही चेकलिस्ट ऐड की थी, भाई इसके अगेंस्ट एक ओटीपी जनरेट करवा दो, इसके अगेंस्ट क्या करवा दो, ओटीपी जनरेट करा दो। ओटीपी आपका था 6 डिजिट का, वो आपको ओटीपी नहीं देगा, आप कहेंगे ओटीपी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन मिसमैच। जी जी, बात समझ आ रही है। बेसिकली जब आपकी इन्फॉर्मेशन मिसमैच करती है तो उसके अगेंस्ट अगर आप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ये रखें कि इसमें वन टाइम पासवर्ड रखते हैं, तो वन टाइम पासवर्ड के अगेंस्ट क्या है कि वो जो है वो टोकन है वो नहीं देगा, ये टोकन सा वो दे रहा वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये समझ गया सर। अच्छा, ये चेकलिस्ट क्या मैनुअल क्रिएट करनी होती है सर, ये हर यूजर की, या मैनुअल क्रिएट? नहीं, ये मैनुअल नहीं क्रिएट करनी होती। बेसिकली फेडरेशन का एक पूरा एल्गोरिथम्स है, इंस्टॉलेशन करके मैं दिखा दूंगा, उसमें दिख लीजिएगा, उसमें उसकी सेटिंग्स काफी ज्यादा लेंथी है, वो पूरा चार्ट पेपर आपके सामने खोल देता है, मतलब 50-60+ ऑप्शंस होती हैं उसमें। अच्छा। आपने बताना होता है कि आपने किसके अगेंस्ट जो है ये फेडरेशन को एनेबल करना है, वो आपने पूरा परफॉर्मेंस बनाना होता है उसमें। आपने ऑल यूजर कर देते हैं, जो यूजर नया क्रिएट होगा उसके ऊपर पॉलिसी अप्लाई होती जाएगी। सही है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, क्योंकि उसमें आप ये नहीं कर सकते कि सर जिस तरह आप ग्रुप पॉलिसीज पे करते हैं या ओयू पे करते हैं, ग्रुप मेंबरशिप पे करते हैं, भाई सर इसमें से हमारा जो सीईओ है या हमारा कोई मैनेजर है उसको हम बाहर निकाल दें, तो ऐसी फैसिलिटी उन्हें नहीं मिल सकती। ये मैं चीज क्लियर कर दूं, ठीक सही 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 है? सही क्योंकि जब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में फेडरेशन को डिप्लॉय कर दिया तो जो पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करेंगे वो इंप्लीमेंट ऑल यूजर्स के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो इसमें अगर कॉर्पोरेट का भी कोई ओयू मैंने बनाया हुआ लाइक डायरेक्टर्स का, तो उसपे भी जाहिर है वो फिर अप्लाई होगी। उस पर भी जाएगी, क्योंकि आप जो डायरेक्टर आपको कह के भाई मुझे इससे बाहर निकाला हो, तो डायरेक्टर कहेंगे भाई जन ये नहीं हम कर सकते क्योंकि इसमें हमारे हाथ बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा। क्योंकि देखें डायरेक्टर के नेम का ही कोई यूजर बन के आ जाए तो आपके सिस्टम की धज्जियां उड़ा कर रहते, तो फिर क्या करोगे वहां पे? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए ये, तो इसका बिल्कुल मतलब होना ये चाहिए, है कि आप जो सिक्योरिटी है वो आप सिक्योरिटी प्रॉपर अचीव ही नहीं कर रहे। बिल्कुल प्रिज हो जाएगी सर, प्रिविलेज जो इसकी जो सिक्योरिटी है वो ज़ाहिर है वो कर बाईपास हो जाएगी, हाँ, वो मकसद ही खत्म क्योंकि हो आप जाएगा वहां पे उसका। ये नहीं कर सकते कि भाई ये मेरा बड़ा अच्छा डायरेक्टर है तो इसके हमारे साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो यार इसको इस चक्कर से बाहर निकालो, फिर ऐसा नहीं है उसी के। क्योंकि नॉर्मली जब आपके जो मैन ऑफ द मिडिल अटैक्स होते हैं वो किस लेवल पे होते हैं, वो आप ही का यूजर नेम ईमेल बना के ही अटैक हो रहा होता सही सही सही। क्या हम कोई है। मेरे ऐसा साथ ऐसा कोई ओयू क्रिएट कर सकते हैं जिसे एक्सेप्शन के नाम से और नहीं, ना डायरेक्टर ना ना स्पेसिफिकली उसको? नहीं, नहीं किया जा सकता इसमें, फेडरेशन में नहीं होता। ठीक है, फेडरेशन ठीक। ओके में ओके जब आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि फेडरेशन में दो चीजें आपके सामने होती हैं। फेडरेशन में एक चीज है कि आपने सिर्फ अपनी कोई एप्लीकेशन करवानी है, तो एक कस्टम एप्लीकेशन बनाते हैं उसे आप फेडरेशन के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे आप नॉर्मली बैंक जो एप्लीकेशन डिजाइन करता है वो इसी किस्म की डिजाइन होती है। ठीक है, अच्छा तो अच्छा जो अभी तक मेरे सिनेरियो में अभी तक पाकिस्तान में कोई एक आधा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिन्होंने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है फेडरेशन को डिप्लॉय कराया, क्योंकि जो यूजर बेस फेडरेशन का जो मामला है ना, जो आपका विद इन यूजर है, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूजर है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये जो फेडरेशन सर्विसेज है ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बेस है। इसे सही इंप्लीमेंट तो आप कर लेंगे लेकिन इसको हैंडल करना भी एक आपके लिए चैलेंज होता है कि जरा वो कहीं कोई इश्यू ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। ठीक है, ओके। अगर मेरी कोई लोकल बेस्ड एप्लीकेशन चल रही है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन लोकल पे, यानी कि मेरे किसी सर्वर पे इन हाउस चल रही है, तो उसमें मैं हाँ एफएस एनेबल कर लूं, वो ज्यादा बेहतर है यूजर बनाकर? उस पे किया जा सकता है। इवन के फेडरेशन भी आपको एप्लीकेशन डिजाइन करने की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा ठीक है, जबरदस्त, मतलब इसके थ्रू आप एप्लीकेशन भी पूरी बना सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन डिजाइन किया जा सकता है, पूरी पूरी फैसिलिटी भी देता है। इवन कि मैं अगर अज्यूर क्लाउड में आपको फेडरेशन अगर कराऊं, क्योंकि वहां पे तो पूरी पूरी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि वहां पे हम एक जीयूआई बेस पर पूरी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं और उसका फेडरेशन उस पर एनेबल करके आप जब आप उस पर लॉग इन करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो एक दफा आपके जो ईमेल है, जो 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 भी ऑप्शन आपने ऐड की होगी वो सारी फिल करते हैं, तो वहां पे वो आपके पास कोड जाएगा, ईमेल्स पे कोड जाएगा, आपके मोबाइल पे कोड आएगा, वहां पे आप ऑथेंटिकेशन करेंगे तो वो फिर उसको लॉगिन कर देता। ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अच्छा उसमें एक फायदा ये है कि फिर वो डोमेन बेस जो है वो डिपेंडेंसी नहीं रहती उसमें, उसमें फिर ये कि डोमेन पर हाँ, जो उसमें यूजर वो करता नहीं है। होती, वो डोमेन में से डिपेंड, क्योंकि नॉर्मली जो आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं आप उसका डोमेन का मेंबर तो नहीं है ना, आप तो एक्सटर्नल यूजर होते हैं। वो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड भी जनरेट कर रही होती है। समझ गया सर, मैं बहुत जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये चीजें ज्यादातर डिजाइन की जाती है फॉर सेक ऑफ एक्सटर्नल्स के लिए, कि एक्सटर्नल अगर आएगा तो उसके साथ क्या बिहेवियर अपनाया जाएगा। सही ठीक है, सही सही, बिल्कुल बिल्कुल वो बाकियों को समझ आ रही है जी, आ रही है सर, आ जी सर, आ बेसिकली। अब बात ये मैं करूंगा कि ये जो पहली दो ऑप्शन है इस पे अगर आप बात रखते हैं तो प्रोसेस क्या रहेगा? टीजीडी, टिकट ग्रांटिंग टिकट, अगर ये ऑप्शन ऐड हो जाएगी तो आपकी जो वर्डिंग है वो टोटली चेंज हो जाएगी। अब जरा उस पे आते हैं वापस। अब प्रोसेस आ जाएगा टोकन वाला। कौन सा प्रोसेस आएगा? टोकन बेस ऑथेंटिकेशन। होपफुली आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो गए जिन्होंने टोकन का वर्ड बहुत ज्यादा सुना हो। जी जी सर, टोकन बेस्ड बनावा।
टोकन बेस ऑथेंटिकेशन, टोकन बेस ऑथेंटिकेशन क्या चीज होती है, अब जरा इसको समझना है। टोकन बेस ऑथेंटिकेशन होती है जब आपसे यूजर नेम पासवर्ड्स के अलावा कुछ और ऑप्शंस पे बात की जा रही हो, तो उसे हम बोलते हैं ये टोकन बेस ऑथेंटिकेशन के बारे में बात हो रही है। ओके ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लेम बेस आइडेंटिटीज। ठीक है, अब यहां पे वो कहते हैं कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर सिक्योरिटी टोकन सर्विसेज, और एक साइड पे क्या है, एक साइड पे एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स है। सिक्योरिटी टोकन सर्विसेज आउटकम आउटगोइंग यहां से हुई उसकी, और इनकमिंग सिक्योरिटी टोकन, टोकन दे कौन रहा है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर दे रहा है टोकन, आइडेंटिटी प्रोवाइडर आपको टोकन प्रोवाइड कर रहा है, और आप एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पे टोकन ऐड करके उस पे ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं। क्लेम प्रोवाइड, जो क्या कहते हैं कि क्लेम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर, इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स एंड एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स। कॉन्सेप्ट समझ आए सर, ये बेसिकली जब आप इंडस्ट्री लेवल पे जब आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्लेम बेस्ड आइडेंटिटीज पे बेस करता है, तो आप कह सकते हैं कि अगर आपने वहां पे फेडरेशन डिप्लॉय किया तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली हम क्लेम बेस्ड आइडेंटिटीज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, क्लेम बेस्ड आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका टोकन प्रोसेस काम करता है, तो इसको अगर टेक्निकल वर्ड में और डीपली जाऊं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसटीएस सिक्योरिटी टोकन सर्विसेस। ठीक है, बात बड़ी आसान अभी तक मैंने रखी हुई है। ये पूरे मेथड में कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे एसटीएस सिक्योरिटी टोकन सर्विसेज। ठीक है, ऊपर वाला मेथड क्या था, टीजीडी, ये वाला मेथड क्या है, ये एसटीएस है। चीजें इसके अंदर बड़ी है अभी। अब नेक्स्ट में ऐसा है कि वेब सर्विसेज के अंदर अब तो और ज्यादा स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं। वो कहते हैं कि वेब सर्विसेज के अंदर जो एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है अक्रॉस द बाउंड्री वो कैसे काम करता है। इसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर एमसीबी एक एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा है, ठीक है, तो वो इस चीज को ज़हन में रखता है कि अगर मेरा स्टेट बैंक है वो भी इस मेरे स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, या स्टेट बैंक ने एक स्टैंडर्ड बना दिया होता है कि मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जो एप्लीकेशन आपने डिजाइन करनी है वो सो बेस होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कह देते हैं कि WSDL के बेस पे होनी चाहिए, कुछ कह देते हैं UDI पे होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि XML बेस होनी चाहिए। तो ये सारे क्या है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर आप जो है अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे होते हैं। ज्यादातर इंडस्ट्री आज के दौर में सोप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, काफी देर से जो सोप्स के अंदर सिक्योरिटी अब ज्यादा अचीव कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली XML बेस, सोप है, WSDL है, UDI, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसपे एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाता है फॉर सेक ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स की ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, और इवन के B2B कम्युनिकेशन के लिए भी इसे बहुत ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है। जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपस में एक दूसरे के साथ हो रही है तो उस बेस के ऊपर भी इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि डिफाइन द सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन यूज आइडेंटिटी एंड फेडरेशन सिस्टम, और इसके अंदर एक स्टैंडर्ड यूज किया जाता है जिस स्टैंडर्ड्स को जब आपस में आपके क्लेम एक्सचेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर दो फाइनेंशियल कंपनीज आपस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रही हैं, ठीक है, तो उस बेस पे एक अपना क्लेम दूसरे को देगा, दूसरा अपना पहले वाले को क्लेम देगा, तो आपस में क्लेम जब एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, तो उस बेस के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है उसे हम बोलते हैं सैमल स्टैंडर्ड्स, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सेलरेशन मल्टी मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, डिफाइन द सैमल स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग क्लेम बिटवीन फेडरेशन पार्टनर्स। दो फेडरेशन जब आपस में अपने क्लेम्स को एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि एमसीबी के पास भी फेडरेशन सर्वर चल रहा होगा, स्टेट बैंक के पास भी फेडरेशन सर्वर चल रहा होगा, और इनके आपस में जब आपने क्लेम एक्सचेंजिंग करते हैं, ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सैमल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और जवानों जी चीजें मुश्किल तो नहीं,
थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली जब करेंगे तो ऑब्वियसली आई होप कि काफी चीजें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। इसमें चीजें माशाल्लाह क्लियर तो हो रही हैं, और बाकी प्रैक्टिकल थोड़ा सा होता है तो उसको और इजी हो जाता है, बस ये। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर हो रहा है, वो आया कि जी वेब एसएसओ, ये क्या चीज है, वेब सर्विसेज एबिलिटी क्या है, पैसिव एंड स्मार्ट कार्ड सपोर्ट्स क्या होता है, असेंबली आर्किटेक्चर क्या है, एनहांस सिक्योरिटी क्या है, वेब एसएसओ क्या चीज है, सिंगल साइन ऑन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंगल साइन ऑन एक डिफरेंट अम्ब्रेला है, जिस तरह फेडरेशन के अंदर हम क्या काम करते हैं, फेडरेशन के अंदर हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि किसके अगेंस्ट जो है हमने एक प्रॉपर रूल्स बनाने हैं। सिंगल साइन ऑन क्या चीज है, सिंगल साइन ऑन एक सेपरेट बॉडी है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बना लेते हैं। अब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कंट्रोल किसके पास होगा, डायरेक्टर्स के पास होगा, सीईओ के पास होगा, मैनेजर्स के पास होगा, किसके अंडर रखना चाहेंगे? आईटी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिपोर्ट किसे करेगा, सीईओ को करेगा, डायरेक्टर्स को करेगा, मैनेजर्स को करेगा, आईटी डिपार्टमेंट को करेगा? ऑब्वियसली आईटी डिपार्टमेंट को सर करना चाहिए। और अगर आईटी डिपार्टमेंट में ही कोई ऐसा बंदा, अब अभी हम बात कर रहे हैं मजाक के तौर पे फिजिकल सिक्योरिटी, हम सॉफ्ट आईटी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, हम फिजिकल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अब फिजिकल सिक्योरिटी में अगर हमने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया तो वो किसे रिपोर्ट करेगा? सर वो डायरेक्टर को करेगा। डायरेक्ट अगर कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर तो फिर किसे करेगा सर? फिर डिपार्टमेंट के सर मैनेजर को शायद। मैनेजर ऊपर होता है, डायरेक्टर ऊपर होता है? डायरेक्टर ऑब्वियसली ऊपर होता है। और जो सीईओ है, सीईओ को करेगा, आई बिलीव इट विल बी सीईओ को करेगा, कंसर्न डायरेक्टर सीईओ जो सीईओ को करेगा, क्योंकि सीईओस के अंडर आएंगे आपके डायरेक्टर्स, फिर उसके अंडर आएंगे मैनेजर्स, फिर उसके अंडर आएंगे डिपार्टमेंट्स। ओके सर, ठीक है। आपने बनाया सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, ठीक है, अराउंड 1 लाख वहां पे एम्प्लॉयज हैं, तो उस बेस पे, और कंपनी भी कोई डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो उस बेस पे डेफिनेटली इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाती है जो फिजिकली प्रॉपर एक काम करती है, तो जब कंपनी में जो इन आउट होता है उसकी पूरी सिक्योरिटी जो है वो चेक की जाती है। अगर इसे मैं रिलेट करूँ ना, हम पाकिस्तान की तो मैं कोई ऐसी एग्जाम्पल शायद ना दे पाऊँ, यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए में एक लॉ है बकायदा कि जब इवन के बाहर का जो किसी और नेशनल का पर्सन वहां पे गवर्नमेंट में अगर जॉब करना चाहता है तो उसकी लास्ट 5 to 10 years की सिक्योरिटी चेक होती है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो कोई नहीं था, ठीक है, किसी के साथ कोई ऐसे लिंक थे उसी के कोई नहीं थे, जैसे कोई यूएसए डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंच सके अगर उसे जॉब देते हैं तो, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी को पूरा चेक करते करते वो समटाइम 6-6 महीने, समटाइम 7 साल भी लगा देते हैं। और अगर एक दफा आपको वो सर्टिफिकेट इशू कर दे उनका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कि भाई इसकी सिक्योरिटी क्लियर है इस पर्सन की, तो फिर वो डायरेक्टली उसे यूएसए के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वहां पे वो जब अप्लाई करेगा जॉब, मिसाल के तौर पे उसने जॉब अप्लाई की होती है जी वाशिंगटन डीसी में, फिर वहां पे तो वाशिंगटन डीसी क्या करेगा, वो अपने वो उसके जो जितना भी जो डाटा है उसका जो भी आईडी कार्ड है वगैरह वो किसे प्रोवाइड करेगा, अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के का ठीक है, जो टेक्निकल टीम थी उन्होंने आपको ओके कर दिया, लेकिन जब तक हम अपनी तसल्ली नहीं करेंगे तब तक हम आपको यहाँ पे इन नहीं होने देंगे।
ठीक है, अब सिक्योरिटी चेक करते करते वो पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, लास्ट 10 ईयर्स का जब पूरा रिकॉर्ड निकालते हैं, इसका मतलब वो कहते हैं जी अब इसे क्लियर है, अब इसे क्लीन चिट मिल गई है, उस क्लीन चिट के बेस पे वो वाशिंगटन डीसी में जो है ज्वाइनिंग ले सकता है। अब मुझे बताएं कि वहां पे जो आपके अदर देन डिपार्टमेंट थे, क्या वो ये काम कर सकते थे या नहीं कर सकते? मुझे बताएं कि क्या सिक्योरिटी चेकिंग अदर देन डिपार्टमेंट चेक कर सकते थे या नहीं चेक कर सकते थे? नहीं सर, नहीं कर सकते में नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि वो उनका काम ही नहीं है ना, वो उनका काम ही नहीं है, जो जिसकी स्पेशलाइजेशन है, जो जिसका काम है वही, वो अपना काम वही करेगा, ऐसे ही है ना, ऐसे ही ठीक है। अब उसने पूरा उनका बायोडाटा निकाला, अब ये बंदा मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से आया, ये कब यूएसए में आया, इसने कहाँ से इसने अपनी जॉब स्टार्ट की, कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने जहाँ पे उसने जॉब्स की वहां से उसका रिकॉर्ड लेकर आएंगे, उसकी मूवमेंट को चेक करेंगे, उसके फैमिली बैकग्राउंड चेक करेंगे, सारा कुछ उसका चेक करेंगे, पाकिस्तान की उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, ठीक है। जब कहते हैं जी अब ये बिल्कुल क्लीन है, हर लिहाज से कोई इशू नहीं है, अब ये यहाँ पे काम कर सकता है। इस तरह के डिपार्टमेंट्स जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाते हैं, ठीक है, अब अभी हम बात कर रहे थे फिजिकल डिपार्टमेंट्स के, फिजिकल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स के, तो इसी तरह के आप अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिजिटलाइज भी बनाते हैं। आपका अगला टॉपिक आएगा सीए का, सीए के बाद एक अगला टॉपिक आपका आ रहा है नैब का, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन में इस तरह की बहुत सारी चीजों को आप समझेंगे कि भाई ये क्या चीजें होती है, कि आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट पूरा बनाया हुआ है, और इस डिपार्टमेंट में जो है जब आपका यूजर इन होता है, ठीक है, जब यूजर सिस्टम पर लॉग इन करेगा, तो लॉग इन करते हुए जो आपके सिक्योरिटी चेक्स हैं वो वहां से पूरा वेरीफाई होकर जाएगा, वेरीफाई होकर जो चेकलिस्ट में जाता है उसमें वो उसको यूजर आईडी भी चेक करेगा, वो उसका पासवर्ड भी चेक करेगा, वो आपका सिस्टम भी चेक करेगा कि जनाब साहब इसके पास जो विंडो 11 है वो अपडेटेड है कि नहीं है, इसके पास सिस्टम पे जो है वो सर्टिफिकेट भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसके सिस्टम पे फायरवॉल ऑन है कि नहीं ऑन है, तो इसकी काम करने की नीयत डिफरेंट हुई कि नहीं हुई? लेकिन सर इसमें थोड़े सी चैलेंजेस, अगर इतनी रिस्ट्रिक्शन हम लगा देंगे तो उसमें कुछ चैलेंजेस ये भी आ सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई 500-600 यूजर हैं, उसमें से 300 यूजर्स तो अपडेटेड हैं, लेकिन 200 समहाउ वो फील्ड के यूजर हैं, आते नहीं है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में आते कम है, ज्यादातर फील्ड पे रहते हैं, अब उनके पास अपडेट नहीं हो सकी कोई चीज, समहाउ विंडो कह लें या कुछ भी, तो फिर वो चैलेंज होगा कि वो लॉग इन करने में उनको ऑथेंटिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। डेफिनेटली देखें, ये देखें जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिस तरह आजकल हम एक चैलेंज फेस कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में फायरवॉल तो लगा दी लेकिन उसका कोई वर्किंग कोई नहीं थी, वर्किंग ये नहीं थी कि आपकी जो आईटी इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ जाएंगी, वो उस चीज़ का किसी को था ही नहीं, क्योंकि जब आप इस तरह की सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो पहले पूरा एक उसका एक डेमो बनाए, उसका एक पूरा डमी वर्क बनाए कि वो उसके क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलेंगे। आपका क्वेश्चन अपनी जगह वैलिड है, ठीक है, लेकिन ये जो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, ठीक है। फिर इवन के आपका जो अब एक्टिव डायरेक्टरी में आपके पास सबसे पावरफुल यूजर कौन सा होता है? नॉर्मली सुपर एडमिन, नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर ही है ना, ठीक है। अब नॉर्मली अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक सिंगल साइन ऑन का एक एसएसओ का एक सर्वर सेपरेट लगा दिया, उसके अंदर ये पूरी चेकलिस्ट ऐड है, उसने क्या क्या चीजें चेक करनी है, उसने एडमिनिस्ट्रेटर को भी तब तक अलाउ नहीं करना अपना काम करने के लिए जब तक एडमिनिस्ट्रेटर को वो पूरी क्लीन चिट नहीं दे देता। बिल्कुल सही, ठीक है। अब उसमें ये किया ये जाता है नॉर्मली कि सिंगल साइन ऑन सर्वर जब लगाया जाता है ना, तो सिंगल साइन ऑन सर्वर पे
उसके अंदर मैनुअली जाके हम अपने जो पावरफुल यूजर होते हैं वो मैनुअली ऐड कराते हैं, क्योंकि उस यूजर को उसने डेली बेसिस पे चेक नहीं करना, ठीक है, उनके काम है कि उसने बार बार लॉग इन करना है अपने सर्वर्स पे, तो उनका प्रोसेस स्लो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, उनको वन टाइम जाके एक दफा उनकी चेकलिस्ट में ऐड कर देते हैं, भाई ये जो यूजर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, हमारा जो एंटरप्राइज एडमिन है, ये बड़े सिंगल साइन ऑन सर्वर में ऐड कर दो, ठीक है, इनको ऐड कर दो और इनको अलाउ कर दो। इनको अलाउ किस पे कर दो, इनको अलाउ कर दो अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में काम कर सकें, इनको अलाउ कर दो मिसाल के तौर पे ये काम हम करते हैं वीएमवेयर के सर्वर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई 300 फिजिकल सर्वर्स हैं उस पे उनके कोई ESXi चल रहे हैं, उसको हमने उनकी कोई सारा कुछ चेक करना है, तो ये क्या करते हैं फिर हम एक इवन के वीएमवेयर कंपनी जो है, जो वीएमवेयर प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, वहां पे एक सिंगल साइन ऑन का पूरी ऑथेंटिकेशन ही सेपरेट होती है। वो कहते हैं कि पहले वो उसके जब इंस्टॉलेशन करता है ना वीएमवेयर की, तो वो टू वेज में करता है, ठीक है, पहले वो इंस्टॉल करता है सिंगल साइन ऑन, फिर वो मिसाल के तौर पे वो इंस्टॉल करता है सिंपल वीएमवेयर का एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा एडमिन पैनल, एग्जांपल दे रहा हूँ, वीएमवेयर से रिलेट मत करिएगा, ठीक है। तो अब जो वीएमवेयर का एडमिन है ना, इवन अब वीएमवेयर का एडमिन अपने पूरे वीएमवेयर पे तब तक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक वो अपने SSO के अंदर जाके अपने आप को अलाउ ना करवा दे। SSO के अंदर हमें मैनुअली ऐड करना पड़ता है, ठीक है, जब उसे ऐड करेंगे फिर मिसाल के तौर पे उस्मान हम एक नया एडमिन बनाते हैं और हम उसे राइट्स दे देते हैं, लेकिन जनाब साहब वो वीएमवेयर पे काम कर ही नहीं पाता। इवन वो अपनी एक्टिव डायरेक्टरी पे काम जरूर कर रहा है लेकिन वो वीएमवेयर पे काम नहीं कर पाता। वो कहता है कि नहीं, वीएमवेयर कहता है जी मेरे सिंगल साइन ऑन से तो ये अभी तक ऑथेंटिकेट ही नहीं हुआ, जब तक नहीं होगा मैं इसे अलाउ ही नहीं करूंगा। सिंगल साइन ऑन को इम्प्लीमेंट करने का मेन पर्पस ये होता है कि SSO भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके साथ आप अटैच कर देते हैं फेडरेशन। अच्छा सर, ये फेडरेशन सर्वर जो सर्विसेज हैं इसी पे ही SSO को हम सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं या SSO को अलग करना पड़ेगा, फेडरेशन को अलग करना पड़ेगा? SSO अलग होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वेंडर्स हैं जो SSO को हमेशा सेपरेट रखते हैं, जिसमें मैंने क्या कहा कि VMware इकोनॉमी नाम है, ठीक है, और VMware के केस में वो एक उसकी ऑथेंटिकेशन टोटल सेपरेट होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम इसको अलग सेपरेट रखें। सही। अच्छा जी, कुछ हद तक चीजें समझ आई? जी सर। अब थोड़ा सा चीजों को आसान करते हैं इस पे। अब एक्सटर्नल यूजर है, अब एक्सटर्नल यूजर जो है, अब जब ऑथेंटिकेशन होने जाता है तो सबसे पहले इसकी रिक्वेस्ट जाएगी फेडरेशन सर्वर प्रॉक्सी पे। फेडरेशन सर्वर प्रॉक्सी लगाने का मकसद ये होता है कि अपने जो ट्रैफिक है उसको मजीद फिल्टर करेगा वो, ठीक है, और ये इसे आप नॉर्मली रखते हैं जब आप एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन को करते हैं तो नॉर्मली फिर ये क्यों रखा जाता है, इसका खास मकसद है, इसको रखने का मकसद ये है कि इसको आप अपने DMZ में रखते हैं, DMZ नेटवर्क्स में रखते हैं, जिसे हम परिमिटेड नेटवर्क बोलते हैं। और DMZ का पता ही नहीं पता? ये जोन होती है, ये रिस्ट्रिक्टेड जोन होती है, सर्वर्स के लिए बनाई जाती है जो बाहर से एक्सेस होती है। हाँ, नॉर्मली आसान सादा लफ्जों में यहाँ पे आप अपने ईमेल सर्वर रखते हैं, यहाँ पे आप अपना वेब सर्वर रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके फायरवॉल्स भी यहीं पे लगी होती हैं। तो बेसिकली एक ऐसा एरिया कंपनी में जो बाहर से जो है, जो आपका एक्सटर्नल यूजर है उसे वहां तक उसकी अप्रोच होती है, वो DMZ तक एक्सेस कर सकता है, लेकिन आपने उसको हाईली सिक्योर किया होता है, ठीक है, क्योंकि वो DMZ से आगे नहीं जा पाता। आगे अगला जो आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क होता है उसे हम नॉर्मली प्राइवेट एरिया बोलते हैं, और यहाँ पे इसने फेडरेशन लगाया हुआ है, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन को और जो बाहर एक्सटर्नल जो फेडरेशन सर्वर है उसकी रिक्वेस्ट को भी हैंडल करने की दोनों की पोजिशन में होता ही है, क्योंकि रिक्वेस्ट अब गई सबसे पहले वेब सर्वर पे उसको ऑथेंटिकेशन नहीं मिली, रिक्वेस्ट वापस आई, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट यहाँ से फॉरवर्डेड नंबर 3rd पे फेडरेशन सर्वर प्रॉक्सी के पास, जिस तरह आपका नॉर्मली उसकी ये समझ लें कि बैंक की एप्लीकेशन होती है, फिर आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है फेडरेशन लोकल के पास, वो आगे रिक्वेस्ट उसके पास गई डोमेन कंट्रोलर के पास, वहां से रिक्वेस्ट वापस आई,
नंबर सेवन पे उसने यहाँ से उसको चेकलिस्ट ओके दे दी, उन्होंने कहा जी इसको ओके, अब यहाँ पे उसने इसको टोकन दे देता है, यहाँ पे वो टोकन लगाएगा और यहाँ पे वो वेब सर्वर पे ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद हाउ ADFS enables सिंगल साइन ऑन इन B2B federations, B2B federations कैसे काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस federations, बिजनेस टू बिजनेस federations का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का होता है कि बेसिकली अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर इसका इंटरनल क्लाइंट कंप्यूटर है, और एक दफा चीजें कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी सी चीजें कम्प्लेक्स है। सिंपल वे में फेडरेशन का क्या काम है, फेडरेशन का काम है कि उसके अंदर आप अपनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं यूजर्स की। इवन सिंपल वे में यूजर की जो प्रॉपर्टीज है, यूजर की प्रॉपर्टीज में से चीजें निकाल के आप वही चीजें फेडरेशन के अंदर एक चेकलिस्ट बना देते हैं। अगर इसमें से सारी इंफॉर्मेशन आप हटा दें, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आप ऐड कर देना, सिंपल सिड, ठीक है, तो इससे भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि सिड आपको जब मैंने पढ़ाया था, सिड यूनिक आइडेंटिफायर होता है, एक यूनिक आईडी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब यूजर क्रिएट किया जाता है तो ये सिड क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद वो फिर ग्रुप मेंबरशिप को भी वो चेक करता है, ग्रुप मेंबरशिप मिसमैच करती है, OU मिसमैच कर रहा है, कुछ भी चीज मिसमैच कर रही है, उस बेस पे वो आगे टोकन नहीं देगा। कौन सा टोकन नहीं देगा, सिक्योरिटी टोकन सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है। ऐसा ऐसा मतलब कि अगले मजीद हमारे लेक्चर्स आएंगे तो मजीद इस बारे में, फेडरेशन के बारे में आप मेरे से मजीद जितने क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और माजरत, कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट वीक भी एक दो वॉइस नोट्स मेरे पास आए थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं कल आज देखूंगा, कल मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो फेडरेशन को आप स्टेप बाय स्टेप लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, इसमें SSO भी आ गया है, ठीक है। तो SSO को मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए कि SSO का मकसद क्या है, लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट में भी SSO को समझते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में SSO की इंप्लीमेंटेशन कभी हम सेपरेट नहीं करते, हम फेडरेशन के अंदर ही SSO की ऑप्शन होती है, ठीक है। लेकिन आगे चल के जब आप पढ़ेंगे ना उसको, नैप को पढ़ेंगे, तो फिर आपका डेफिनेटली SSO क्लियर हो जाएगा, ये इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अभी शायद आपके SSO में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, क्योंकि तब ये होता है कि वो एक नेटवर्क की जो डिजाइनिंग है बड़ी ज्यादा चेंज की होती है हमने, जब हम नेटवर्क की इंप्लीमेंटेशन करते हैं अपने, सॉरी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करते हैं अपने नेटवर्क्स में, तो इसके अंदर फेडरेशन के अंदर और SSO के अंदर बहुत ज्यादा चीजें एक्सटर्नल ऐड होती हैं। और एक चीज आप आगे अभी आपने पढ़नी थी जो आज नहीं पढ़ी हमने, CA भी एक इसका पार्ट है, क्योंकि अगर उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिला तो सर्टिफिकेट में भी कोई इशू हुआ या सर्टिफिकेट की टाइम एक्सपायर था तो उस बेस पे भी वो STS नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी सर। अगली कोशिश करेगा तीन चार जो लेक्चर्स हैं उसे जरूर, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स आज का और अगले तीन चार लेक्चर्स एक दूसरे के साथ टॉपिक्स का बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे, फेडरेशन रिलेट करेगा, नैप आपका रिलेट करेगा, CA रिलेट करेगा, ये सारी चीजें और सेक ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के दौर में आपको पता है कि सिक्योरिटी एक ऐसी डोमेन है जो क्लासिक की हैसियत रखती है, क्लासिक उस डोमेन्स को हम बोलते हैं जिसका हर दौर में एक लेवल अपना ही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपको पता है बढ़ती जा रही है, उसका रुझान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपके सिक्योरिटी हदसात भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही है ना जी सर, ठीक है। तो उस बेस पे हर कंपनी या इवन एक सिंगल यूजर, हमारी कोशिश है कि हम अपने आप को, हम अगर एक मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसको किसी हद तक सिक्योर रखें। हमारे यहाँ तो इतना रुझान नहीं है चीजों को इतना सिक्योर रखने का, लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो वहां पे लोगों को बड़े कंसर्न होते हैं, कोई आपसे अपना पासवर्ड नहीं है सिस्टम का शेयर नहीं करेगा, कोई इतनी आसानी से आपको अपने क्रेडेंशियल्स नहीं देता, जिस तरह हम ओपनली किसी को दे देते हैं भाई ये ले लो, कोई अपना दोस्त भी है यार ले लो अपने क्रेडेंशियल्स यूज कर लो चीजों को, तो वहां पे ये सिस्टम इस तरह नहीं चलते, ठीक है। तो ये कि सिक्योरिटी आपने अपने इवन सिस्टम्स लेवल पे भी इन्हेंस की हो तो वो भी बहुत ज्यादा चीजें बेहतर है। तो अभी तो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, क्योंकि मेरे से एक कंपनी ने क्यूरी आई थी, उसमें नाम नहीं इसमें मैं ले सकता, डेफिनेटली सेशन ऑन रिकॉर्ड्स है, तो उनकी थी कि सर हम यही फेडरेशन को जो है वो लोकल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो डिफेंस सेक्टर था इस समय पाकिस्तान का,
उस बेस पे हम फेडरेशंस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसका एक प्रॉपर वे हमें बताएं, कोई एप्लीकेशन तो हमारी है नहीं, सिर्फ एक लोकल यूजर्स है। अब जहाँ पे सिक्योरिटी वैसे बहुत ज्यादा और चीजें बड़ी ज्यादा अच्छी, तो वो डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में भी बड़ा टाइम हमें लग जाता है कि भाई इसको कैसे इन यूजर ने इसको ऑथेंटिकेट करवाना। और अगर आप ओपन फेडरेशंस की बात करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट से हटके है, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाती है, लेकिन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर आप कस्टमाइजेशन उस लेवल पे जाके नहीं कर सकते जिधर अगर आप सोचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ काफी हद तक बंधे होते हैं। जब आप ओपन फेडरेशन यूज करते हैं ओपन सोर्स बॉडीज के, तो वहां पे कस्टमाइजेशन की बहुत ज्यादा आपके पास फैसिलिटीज होती है कि आपने सिर्फ एप्लीकेशन को यूज करवाना है, आपने सिर्फ यूजर्स को यूज करवाना है, आपने कोई डिपार्टमेंट्स को यूज करवाना है, तो वहां पे कुछ हद तक चीजों को ट्यून किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अभी तक जो इसका यूजेज है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है, इंटरनल यूजर्स के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो यहाँ पे अभी इसका इस्तेमाल काफी हद तक कम है, लेकिन अगर इस्तेमाल बड़ा मतलब हम थर्ड पार्टी यूटिलिटी यूज कर रहे हैं, अगर हम थर्ड पार्टी यूटिलिटी यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी फेडरेशन एफएस यूज कर रहे हैं, तो वो क्या माइक्रोसॉफ्ट के साथ एंगेज हो जाएगा, मर्ज हो जाता? हाँ हो जाता है, नो इशू। फेडरेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो आपको अलाउ करता है, आप एक्सटर्नल के साथ उसकी उसको कम्युनिकेशन करवा सकते हैं उसके। तो फिर व्हाई शुड वी गो विद माइक्रोसॉफ्ट एफएस? आई मीन अगर थर्ड पार्टी पे हमें कस्टमाइजेशन मिलती है तो फिर हम माइक्रोसॉफ्ट का अपना यूज ना करें, वो अगर उसमें इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि अब लास्ट भी मुझे एक माह पहले एक कस्टमर ने कहा था कि सर जब आप ये फेडरेशन पढ़ा है तो हमें जरूर बताइए कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फेडरेशन डिप्लॉय करें, लेकिन हमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को पड़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो मैंने फिर कहा था, मैं कहा डिपेंड करता है कि मेरी जो क्लास अभी एमसीसी की चल रही है वो उसमें स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा, अगर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा या ऑडियंस रही तो फिर तो मैं लैब उसकी एक टाइम टेकिंग लैब है, ज़रा मुझे इसके लिए कोई कस्टमर एप्लीकेशन भी एक दफ़ा देखनी पड़ेगी और सारी चीज़ें, फिर ही मैं करके उसको मैं बता सकता हूँ उसमें, ठीक है। क्योंकि ये ज़ाहिर है ये जो इस तरह के जो आपका टॉपिक्स है ना, ये फेडरेशन है चाहे वो सीए है, ये चीज़ें मीनवाइल के बेशक मैंने फिंगर टिप्स पे कर्सों इस पे काम किया हो, लेकिन समटाइम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इंसान को चीज़ें जहन से निकल भी जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब ये चीज़ें मेरे उस तरह के फ्लो में नहीं है, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर हूँ खुद भी मैनेजमेंट लेवल पे, तो इस तरह इन चीज़ों का मैं इतना ज़्यादा डीपली दिखता भी नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली जब मैं खुद एक पब्लिक सेशन दे रहा हूँ तो डेफिनेटली मैंने खुद कोशिश ये करूंगा कि वो उसमें कोई वीक पॉइंट रहे ना। अब सीए पे कल मैं थोड़ा सा हाइपर आप लोगों पे इस भी हुआ था कि सीए पे मैंने दो दिन पहले 3 सर्वर डिप्लॉय किए और उसको पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। और स्ट्रक्चर बना के मैंने कुछ 6 घंटे अपने लगाए उसको, मैंने कहा कि आप में से कोई ये ना कहेंगे सर ये चीज़ नहीं समझ आ रही, तो नहीं आ रही, लेकिन अफसोस इस चीज़ का कि पहले 5-7 मिनट्स तो जो रिस्पांस मिल रहा था उस पर तो गुस्सा बनता ही नहीं बनता उसमें। सही बात है सर, बनता है सर, ठीक है। क्योंकि ये चीजें वो नहीं है, अब ये आप सिर्फ आप थ्योरी इसकी लैब ना भी करें, मिसाल के तौर पे लैब ना करें, आप सेशन के बाद ये तो कह सकते हैं कि सर हमें समझ आ गई फेडरेशन क्या है, इतना तो है ये कि नहीं? लेकिन शायद जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना उनके लिए एडवांस जरूर है, क्योंकि एक वो टेक्नोलॉजी जिसे हम डेली बेस पे जिस पे काम करते हैं, क्योंकि मैं अगर बैंक 2 या 3 बैंक अकाउंट्स यूज करता हूँ, डेफिनेटली जब मैं कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ किसी अननोन पर्सन की, तो डेफिनेटली वो मेरे से कोड मेरे पास आते हैं, ठीक है। तो कोड आते हैं तो मेरे से वैसे कोई पूछ रहे कोई आईटी पर्सन ही कि सर ये काम करता कैसे ये कोड का, ठीक है, तो मैं उसको क्या आंसर करूंगा। या मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी आपसे पूछ ले कि जी हमको इस तरह की पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं, सनी है कोई और फैसल है कोई भी, यार या जरा आप इसके डिजाइनिंग तो हमें बना के देंगे, फेडरेशन काम कैसे करता है, तो आपका क्या आगे हुआ? आप कहेंगे फेडरेशन ही पर लफज मैंने पहली दफा मैंने सुना, लेकिन आफ्टर दिस सेशन आप ये तो कह सकते हैं सर कोई मसला नहीं, हम अगर लैब इसकी अभी देखने की, लेकिन हमें समझ आ गई कि फेडरेशन काम कैसे कर रहा है। तो ये चीजें बड़ी होती है कि यार उसकी चीज की अवेयरनेस भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो वो जब हम अपने उस्तादों से पढ़ते रहे तो हमारी तो ये हालत होती है कि उस्ताद साहब अगर सेशन लेने गए तो
पता चला कि सर हमारे भी सो रहे हैं। अच्छा सो रहे हैं यार, जब उठेंगे तो फिर ले लेंगे सेशन। शाम होगी वहीं बाहरी खड़े पे बैठे हुए, ठीक है। इवन ये भी नहीं सहमत करते कि सर को जाकर जगा दें, सर जी आए हुए दूर से सेशन लेने को, टाइम दे दें। हाँ जब उठेंगे उस्ताद से सर झुका के बात की जा रही है, उनका अदब किया जा रहा है। अब तो ये चीज़ें दूर दूर तक है नहीं ना। अब बेचारा उस्ताद जो होता है वो मिन्नत कर रहा होता है स्टूडेंट की, यार तेरी मेहरबानी है कुछ कर लें, ठीक है। क्योंकि दौर ही चेंज हो गया ना, तो हमने तो अपना नॉलेज या चीज़ें इस तरह सीखी है। सीनियर अगर कुछ कह भी रहा है तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप राइट पर हैं, ठीक है। अगर वो सीनियर बास्केट गलत भी है तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है आपसे हम बहस नहीं करेंगे। अच्छा जी, इस पर बात में कर रहा हूँ अब। इस पर बी टू बी फेडरेशन ये समझ लें कि जैसे वेस्टर्न यूनियन है और वेस्टर्न यूनियन ने डिजिटल ट्रांजेक्शन करनी है किसी प्राइवेट बैंक के साथ, ठीक है। तो ये डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है ये फेडरेशन टू फेडरेशन होती है, और इसमें आपकी क्या चीज एक्सचेंज होगी तो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाई है। इसमें जो टेक्निकल टर्म्स कौन सी यूज होगी, सैमल स्टैंडर्ड कौन सा यूज होगा? सैमल स्टैंडर्ड सर, सैमल स्टैंडर्ड सिक्योरिटी एक्सेलरेशन मल्टी मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये सैमल स्टैंडर्ड होता है। जब दो फेडरेशन आपस में बात करते हैं तो उसमें हम सैमल स्टैंडर्ड बोलते हैं। जब यूजर फेडरेशन से बात करता है तो क्या फिर हम बोलते हैं, क्लेम बेस आइडेंटिटीज, ठीक है, क्लेम बेस ऑथेंटिकेशन। क्लेम का जो वर्ड आएगा ना, तो क्लेम का वर्ड से आप ये समझ आए कि भाई ये बात अब पासवर्ड पे नहीं हो रही, अब पासवर्ड से ज्यादा भी सही चीजें पूछी जाएंगी। जिस तरह मैंने शुरू में एग्जाम्पल्स क्या थी कि आप अपने घर को सिक्योर करना चाहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है आपको, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप एक दरवाजे के बजाय एक बार कोई लोहे का दरवाजा और लगा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, कोई कैमरे शैमरे लगाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप अपने सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आपके घर में कोई ऐसा एंटर नहीं हो सकता, पहले तो सबार सिक्योरिटी गार्ड ही मिलेगा, हाँ जी भाई किधर जा रहे हो, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? जी सर, ठीक है। तो दो चीजें समझाएगी, एक चीज समझाएगी आपको के फेडरेशन टू फेडरेशन, एक चीज समझाएगी सिंगल बेस फेडरेशन, और एक चीज सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन का बेशक होल्ड रखें, समझ नहीं आई कोई मसला नहीं, हम नैप जब पढ़ेंगे तो नैप को नैप में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि सिंगल साइन ऑन की शायद आपको कंफ्यूजन इस बेस पे ही रहेगी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सेपरेट नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको मिक्स कर दिया है। हाँ इसको सेपरेट किया होता तो मेरे लिए समझाना बड़ा ईजी थे। हाँ मेरे पास आप VMware पढ़ रहे हो तो फिर सिंगल साइन ऑन में आपको फिंगर टिप्स पे बता देता हूँ कि सिंगल साइन ऑन क्या होता है, ठीक है। ओके सर, हाँ जब नैप पढ़ेंगे तो नैप में पहले हम डिजाइनिंग देखेंगे कि आपके जो पूरे नेटवर्क है उसकी डिजाइनिंग होती कैसे, आपने फायरवॉल कहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है, आपने सीए सर्वर कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, आपने फेडरेशन कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, आपने अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स कहाँ पे इंप्लीमेंट करने होते हैं, आपने अपने नेटवर्क डिवाइसेस कहाँ पे इंप्लीमेंट करनी होती है, वे सारी चीजें आप नैप में सीखते हुए, ठीक है। आपको मेरे से दो या तीन लेक्चर होंगे उसके, कोई एक नैप का होगा और एक NPS का होगा और एक मैं आई थिंक रेडियो सर्वर्स का भी होंगे, रेडियो सर्वर्स भी एक अच्छा टॉपिक है। अच्छा जी, इस पे अब उसका अपना ही यूजर है और ये समझने कि वेस्टर्न यूनियन का यूजर्स हैं जो फिजिकल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं और ये फिजिकल ट्रांजेक्शन अलाउ करवाना चाह रहा है किस पे, प्राइवेट बैंक के वेब सर्वर्स पे। वो कहता है कि जनाब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, रिक्वेस्ट वापस आएगी, उसकी रिक्वेस्ट पहले उसके अपने फेडरेशन में जाएगी और अपना उसका जो फेडरेशन है उनका आपस में पहले आपको सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वाला फेडरेशन बात करेगा दूसरे फेडरेशन सर्वर्स के साथ, ठीक है। रिक्वेस्ट यहाँ से वापस आएगी, रिक्वेस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड होगी, क्योंकि रिक्वेस्ट जब इसके पास जाएगी ना, ठीक है, तो वो उसको अलाउ नहीं कर पाएगा, वो कहेगा कि यार तुम्हारी तो रिक्वेस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जा रही है, ठीक है, तो मैं पहले उस फेडरेशन से बात करूंगा, वो मुझे अलाउ करेगा, तो उस बेस पे ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड होगी, फिर वहां से रिक्वेस्ट वापस आएगी, देन ये इसको टोकन देगा, फिर ये इसके ऊपर टोकन सेंड करेगा, फिर ये अपने बेस के ऊपर एक नया टोकन उसे जनरेट करेगा और देन यहाँ पे उसको अलाउ किया जाएगा। एक उसको इंटरनली टोकन देगा फेडरेशन टू फेडरेशन, जो टोकन ये उसको देगा उस बेस पे एक नया टोकन जनरेट करके उसको देगा और यहाँ से उसको एक नया टोकन मिलेगा, वो टोकन उसको यहाँ देगा, वो कहेगा हाँ ठीक है इसे जो मैंने टोकन दिया था ये उसी अगेंस्ट एक नया टोकन जनरेट होकर आया, अब वहां से उसको टोकन यहाँ पे देगा एंड देन यहाँ पे उसको वो अलाउ करवाएगा। उसके बाद जो फेडरेशन सर्विसेज अनेबल सिंगल साइन ऑन विद ऑनलाइन सर्विसेज है,
ठीक है, अब इसमें जो है जिस तरह हम यूज करते हैं O365, ठीक है, Office 365 यूज करते हैं, तो जब इस तरह की सर्विसेज को यूज करते हैं जो जब यहाँ पे फेडरेशन अनेबल है तो उसको कैसे यूज किया जाएगा। अब डेफिनेटली उसने यहाँ पे इसको आउटलुक वेब ऐप दी है, वही लोकल फेडरेशन, फिर अगर आपने आपका फेडरेशन है वो कैसे काम करेगा, एक्ट्रोडक्टरी के साथ कैसे उसका लेकर आएगा टोकन, अलाउ करेगा, देन वो टोकन उसको प्रोवाइड करेगा, देन उसके बाद यहाँ पे इसको ये अलाउ करता है। अब देखिए वो कहता है कि यहाँ पे लेसन नंबर 2 के कहता है कि डीएफएस ऑफ कंपोनेंट्स में प्री रिकॉर्ड्स में कहता है कि पीके मॉडल भी मुझे चाहिए, क्योंकि जब हम करते हैं फेडरेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है जो उसके प्री रिकॉर्ड्स में शामिल है। फेडरेशन के रोल को इंस्टॉल करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इंस्टॉलेशन करके दिखा दूंगा, लेकिन मेन चीज है कि अगला प्रोसेस को समझ लें। इसमें फेडरेशन सर्वर्स हैं, सॉरी सर ये फेडरेशन वो मेंबर सर्वर ही बनाते हैं एडी का, उसी तरह ही होगा। हाँ मेंबर सर्वर बनाएंगे और फिर इसे इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ये आपसे इंस्टॉलेशन के दौरान भी काफी ज्यादा चीजें पूछ लेता है ये, ठीक है। बीच में मुझे निजात करवा देंगे, कहेंगे तो कोई एप्लीकेशन कस्टमाइज करवा के तो इसको करा दूंगा, ठीक है, या तो उस पर करना चाहते हैं Azure में करना चाहते हैं तो Azure पे करवाया जा सकता है। ये सारे फर्दर इसके कंपोनेंट्स हैं, क्लेम्स, क्लेम रूल्स, एट्रीब्यूट्स, क्लेम प्रोवाइडर्स, लेयर पार्टीज, प्रोवाइडर ट्रस्ट, लेयर पार्टी ट्रस्ट और सर्टिफिकेट्स और इसके एंड पॉइंट्स। अब इसके प्री रिकॉर्ड्स में जो चीजें शामिल है वही IPs चाहिए, एक्ट्रोडक्टरी डोमेन सर्विसेज चाहिए, एट्रीब्यूट स्टोर चाहिए, इसको DNS चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करेगा। अब इसके रिक्वायरमेंट्स में वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट इसको होना चाहिए, सर्विस कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट्स और टोकन साइनिंग सर्टिफिकेट्स और टोकन डिक्रिप्ट सर्टिफिकेट। अब ये जो वाला जो पोर्शन है सर्टिफिकेट्स का, ये जब आप सर्टिफिकेट्स को पढ़ेंगे फिर ये बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अगला जो सेशन है उसकी अनाउंसमेंट्स आपको कल कर दी जाएगी। अगला सेशन आपका कब है, ट्यूजडे को भी हो सकता है, वेडनेसडे भी आ सकता है, रात 8 बजे सेशन करेंगे, ठीक है, 2 से 3 सेशन करेंगे वीक में और सैटरडे में, क्योंकि मैंने इसको किसी तरीके से नेक्स्ट 2 वीक्स में क्लोज करना है, ठीक है। नहीं आप टुमारो करवा लें अगर आप बिजी ना हो। ट्यूसडे को? यस सर। कल? यस सर। सर 8 बजे हो जाएगा, ट्यूसडे कर लें, ट्यूसडे बेटर है, ट्यूसडे कर लें, ट्यूसडे कर लें, मंडे से कर लें, 2 दिन कर लें सर, लेट टाइम करवा दे तो बेटर अच्छा रहेगा। क्या चीज सर? लेट टाइम करवा दे तो अच्छा रहेगा सर, ये 7-8 बजे के टाइम पर। 8 बजे का रखेंगे ना, 8 बजे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 8 बजे, ठीक है सर, 8 बजे शुरू करेंगे, ठीक है। अगला सेशन जिंदगी तो CA का करेंगे और फिर उसके बाद जिंदगी तो नैप, जो अभी एक टॉपिक जो हम चला रहे हैं पहले इसका एक फ्लो खत्म करेंगे फिर उसके बाद अगले शुरू करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। जिंदगी तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को बात होगी आप लोगों से, ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर।